बोलो अब भैया। गुरुजी के चरणों में कोटो कोटि नमन इस दास का। जय हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कबज पाठ कहलाता है, उस पे आहुति हवन करना किस विधि से करना और किस चीज से करना, इस पर प्रकाश डालिए गुरुजी। हनुमान चालीसा का हवन कर सकते हैं, आप यही पूछा ना? जी जी गुरुजी। हनुमान चालीसा का हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस विधि के लिए तिल जवा चावल घी शक्कर लिया, राम दरबार का चित्र बालाजी का चित्र सामने लगाया, हाथ में जो है तिल राम जी का पहले ध्यान किया, पूजन पंचोपचार से चंदन चावल आदि पुष्प चढ़ा करके प्रसाद आदि चढ़ा करके पूजन किया, अग्नि को प्रणाम किया, हाथ में तिलजवा चावल घी शक्कर पंच मेवा से मिश्रित हवन सामग्री को लिया और प्रथम दोहा पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल यश जो दायक फल चार स्वाहा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार बलिबुद विद्या देव मई हरौ कलेश विकार, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, ओम हम हनुमते नमः रामदूत अतुल बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। जी गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि महाभारत में गुरु जी जब युद्ध चल रहा था, कृष्ण भगवान ने उनको करण जी को बोला था कि आप पांडव जी के में शामिल हो जाइए, लेकिन ये बात जो उन्होंने लास्ट में बोली थी गुरु जी, ये उस समय क्यों नहीं बोली उन्होंने पहले जब उनको वनवास हुआ था और दुर्योधन उनको राजपाट देने से मना कर रहा था, तब भगवान ने ये बात क्यों नहीं उनको बोली करण को कि ये तुम्हारे भाई हैं और इनकी हेल्प करना चाहिए आपको? देखो करण दानी थे और वचन के पक्के थे, जैसे वचन दे देते थे उसको निभाते, और भगवान का नियम है कि किसी का नियम नहीं तोड़ते, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते, देखा नंबर एक। नंबर दो इसका यह जवाब है, बड़ा सटीक जवाब यह है कि अगर कर्ण आ जाते तो फिर कौरव भी आ जाते, फिर महाभारत ही नहीं होती और जो है राक्षस जिंदा रहते, तो भगवान स्वयं चाहते थे कि इनका वध हो, सत्य की विजय हो। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन दास का प्रणाम। ये जो ध्वज हिला रहा है इनके आगे वाली जो बहन सबसे आगे खड़ी, इनको दे दो।